लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर शुक्रवार शाम को कार से ऑटो की टक्कर हो गई। इस बात पर नाराज कार चालक ने ऑटो चालक को गालियां दी। इससे भी मन नहीं भरा तो उसने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। वारदात चौराहे पर बने यातायात पुलिस बूथ के पास की है। यातायात बूथ पर तैनात दरोगा पहुंचा तो कार चालक ने पिस्तौल दोनों टांगों के बीच में सीट पर छिपाने की कोशिश की। कुछ ही देर में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस मामले में पीड़ित ऑटो चालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आलमबाग का रहने वाला फरमान ऑटो चलाता है। फरमान के मुताबिक वह ऑटो लेकर हजरतगंज चौराहे से सिविल अस्पताल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कार से उसके ऑटो की टक्कर हो गई। इस बात पर कार चालक ने उसे रोक लिया, फिर गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध किया तो कार चालक ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। राजधानी के सबसे वीआईपी चौराहे पर खुलेआम असला लहराते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पास में बने यातायात पुलिस बूथ पर तैनात दरोगा भी पहुंच गए। दरोगा को देखते ही कार चालक ने पिस्तौल छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसका वीडियो बना लिया गया। कार चालक ने पिस्तौल छिपाने के लिए सीट पर अपने दोनों पैरों के बीच में रखी थी। दोनों पक्षों में कहासुनी चल ही रही थी कि मौका देखकर कार चालक वहां से भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला के मुताबिक पीड़ित फरमान की तहरीर पर कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार नंबर के आधार पर कार चालक के बारे में जानकारी हासिल की गई है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर।